प्लीज आप नीचे मत जाइएगा क्योंकि काफी रिस्क होता है इस चीज के अंदर। इसका नीचे का यदि हम व्यू देखेंगे तो हमें यहाँ से काफी ज्यादा गहराई दिखाई दे रही है। पत्थर भी कोई लूज हो सकता है या टूट सकता है, ये हमें भी नहीं पता। इस रानी के कुएं से और जो बटगुजरों का किला है पहाड़ी के ऊपर बसा है वहां तक एक सुरंग थी। डेंजरस है, डर भी लग रहा है, बट कोई बात नहीं, ट्राई करते हैं। ये हम आ गए इसकी पांचवें सीढ़ी में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और हर बार की तरह मैं आज फिर से एक ऐसे नए स्थान पर आ पहुंचा हूं जिसकी आपको हमेशा से तलाश रहती है। और उन्हीं एक नई चीज में आज हम पहली बार एक ऐसे स्थान पर आए हैं जिसका YouTube के पूरे इतिहास में कोई भी जिक्र नहीं है। आज हम अलवर के एक कस्बे जिसको माचाड़ी कहा जाता है वहां पर आ पहुंचे हैं और यहाँ आने का एकमात्र उद्देश्य हमें मिल गई है एक रानी का ऐसा कुआ जो तकरीबन 1300 वर्ष प्राचीन बताया जाता है। बस मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि इसके इतिहास को और इसके रोचक तथ्य आप लोगों के समक्ष आ सके और हमारे इतिहास के वो पन्ने आप पढ़ सके जो अभी तक आप लोगों से अज्ञात हैं। चलिए दोस्तों, करते हैं अपनी आज की वाली वीडियो शुरू। सबसे पहले जब हम कुछ कदम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमें इस कुएं का एक मुहाना छोटा सा गेट दिखाई देने वाला है। ये जो गेट बना हुआ है, यहां पर इन पत्थरों को एक सिमेट्री में लगाया गया था। बीच में ये कंकड़ पत्थर और जिसे आप चूना पत्थर कहते हैं उसकी लिपाई की गई है। ज्यादा ऊंचा गेट नहीं है लेकिन किसी समय काफी ऊंचा रहा होगा, आज ये थोड़ा सा उठ गया है बेसिस का। थोड़ा सा अंदर आने के बाद में आप लोगों को स्टार्टिंग के इसी पॉइंट से जब आप देखेंगे तो एक मेहराब दिखेगा। यहाँ पर आगे की तरफ आइए थोड़ा सा, आप इस तरफ आप लोगों को एक सर्कुलर राउंड फॉर्मेशन में ये पूरे की पूरी जगह दिखाई देने वाली है। इस तरफ देखने पर आप लोगों को ये पूरे का पूरा जो कुआ है एक राउंड सर्कल में बना हुआ है और आप इसकी गहराई देखिए कितना ज्यादा नीचे, तकरीबन बताया जाता है अगर इसको आज के समय में हम देखें तो 100 फुट के आसपास, 120 फुट के आसपास इसकी गहराई बनी हुई है। थोड़ा नीचे की तरफ उतरते हैं और देखते हैं कि हमें यहाँ पर कैसी कलाकृति, किस प्रकार का डिजाइन, कौन सी वास्तुकला आज दिखने वाली है। आइए मेरे साथ आप नीचे की तरफ उतर रहे हैं अभी हम, और यहाँ की जो सीढ़ियाँ हैं ज़्यादा चौड़ी नहीं है, हमें थोड़ा सावधानी भी बरतनी ज़्यादा आवश्यक है। ये देखिए आप सामने की तरफ हमें छतरी भी दिखाई दे रही है और ये जो छतरी यहाँ पर बनी हुई है इसकी कलाकृति, इसके पिलर जिसमें एक अद्भुत डिज़ाइन है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ कमरे दिखाता हूँ। उल्टे हाथ की तरफ एक कक्ष, एक कमरा बनाया गया है। थोड़ा इसके बारे में आपको बताता हूँ कि क्या है ये पत्थर। देखिए ये ब्लैक जो स्टोन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बेसिक तरीके से जो अरावली पर्वत श्रृंखला है उन्हीं के पत्थर हैं ये, और इनको सलेट पत्थर कहा जाता है। अंदर की कलाकृति आप लोगों को दिखाई दे रही है पूरी की पूरी। इस तरफ भी देखेंगे आप लोग, ये कुछ मेहराब बने हुए हैं रोशनी के लिए, दियों के लिए, किसी समय यहाँ बनाए गए थे। और ऐसा बताते भी हैं कि जब यहाँ पे लोग नहाते थे, पानी वगैरह की सुविधा पूरी किया करते थे, तो उस समय इन्हीं कक्ष के अंदर वो अपने कपड़े वगैरह बदलने के लिए, स्त्रियों के लिए एक फैसिलिटी होती थी। अभी हम आप लोगों की सीधी जो वार्तालाप है एक ऐसे इतिहासकार के साथ करवाना चाहते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी का काफ़ी लंबा अरसा इन इतिहास के पन्नों के बीच में ही बिताया है। तो ताऊ जी हमें इस जगह का इतिहास बताएंगे और काफ़ी सारी जानकारी देने वाले हैं। बताइए ताऊ जी। मैं आप लोगों को आज ये माचड़ी गांव है इसकी जानकारी देने के लिए उपस्थित हूँ। जो भी ये महान आत्मा है वो अगर मेरी कुछ त्रुटि रह जाए तो उसके लिए क्षमा करें। माचड़ी गांव अलवर रियासत की जननी रहा है। पूर्व काल में मगध से चल के मत्स्य नाम के एक राजा आए थे, उन्होंने इस क्षेत्र को अपनी राजधानी बनाया और यहाँ किला बनवाया और इसका नाम मत्स्यपुरी रखा। उनकी रानी का नाम गिरिका था। उनके उपलक्ष्य में उन्होंने
एक रानी का कुआं है जिसमें आज आपको प्रत्यक्ष दर्शाया जा रहा है, उसी में हम मौजूद होकर आपको ये सारे वृतांत बता रहे हैं। मत्स्य राजा के इस क्षेत्र में आने के बाद उनके दो लड़के हुए थे, उनका नाम वनसेन था और दूसरे का नाम सत्सेन था। वनसेन इसी क्षेत्र में रहा और सत्सेन जो आज उड़ीसा में है पुरी में, वहाँ चले गए। उन्होंने वहाँ का शासन किया सत्सेन जी ने, और वनसेन यहाँ रहे। वनसेन जी के लड़के हुए थे विराट, जिन्होंने विराट नगर बसाया जो अलवर में थानागा जी के पास में स्थित है। विराट जी के जब लड़के हुए उत्तर कुमार, वो उनका वृतांत महाभारत काल में भी दिया हुआ है। इसकी सामान्य खूबी है कि इसमें कुएं में ऊपर से नीचे तक सीढ़ियां लगी हुई हैं, बीच में चारों तरफ को घूमदार कमरे बने हुए हैं, उनमें बीच बीच में दरवाजे बना के उनके पार्टीशन किए गए हैं और उनको एक झरोखे नाम टाइप दे के उनको एक बहुत सुंदर रूप दिया गया है। बीच में नहाने के लिए छतरियों का एक विश्राम स्थल सा भी बनाया हुआ है, जिसमें बैठ के जनाना स्नान कर लेते थे और एक कमरों में जाके अपने कपड़े चेंज कर लेते थे। कि इस रानी के कुएं से और जो बड़गुजरों का किला है पहाड़ी के ऊपर बसा है, वहाँ तक एक सुरंग थी जो आज तकरीबन बंद है, जिसका सही रास्ता हमको भी ज्ञात नहीं है, लेकिन सुरंग इसमें से बनती बनती है और वो उस महल तक जाती है। उसी के द्वारा वो लेडीज यहाँ स्नान करने के लिए आती थी और अंडरग्राउंड ही अपने वापस चली जाती थी। तकरीबन 7 मंजिला गहरी है वाली बावड़ी, जिसमें हम इसकी तीसरी मंजिल से अभी नीचे की तरफ जा रहे हैं और बड़ गुजरों के द्वारा ये स्थान, ये कुआं बनवाया गया था। काफ़ी ज़्यादा गंदगी आज के समय में दिखाई दे रही है और गंदगी दिखाई देने की जो साफ साफ वजह है वो लंबे अरसे से ध्यान ना देना या फिर लोगों की आवाजाही का बिल्कुल यहाँ पर रुक जाना। चलिए बस थोड़ा ध्यान रखिएगा भाई उतरते समय, न जाने कितने लंबे अरसे से यहाँ पे साफ सफाई का विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। ये राइट की दीवार दिखाना, देखो पूरी की पूरी कंकड़ पत्थर वाली दीवार है ये वाली कंकड़ पत्थर की दीवार, इधर बड़े बड़े अरावली पर्वत के पत्थर। यदि हम यहाँ पर इस छतरी की बात करते हैं तो इसमें ये वाला जो पत्थर इस्तेमाल किया गया है इसे गड़वा यानी कि नरम पत्थर कहा जाता है, जिसको काटते तराशते समय ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, आराम से इसके अंदर आरी या फिर जो छेनी होता है वो चल सके और अच्छी नक्काशी बन सके। इसी वजह से आप लोगों को थोड़ा बहुत यहाँ पर देखिए नक्काशीदार ये घुमाव पॉइंट्स दिखाई दे रहे होंगे। पूरे के पूरे इस एक स्क्वेयर फॉर्म में बना हुआ है पूरे का पूरा, ऊपर छतरी है इसकी जो हमेशा की तरह स्क्विंच मेथड पे बनाई जाती थी, और बाकी इसका नीचे का यदि हम व्यू देखेंगे तो हमें यहाँ से काफ़ी ज़्यादा गहराई दिखाई दे रही है, उसको भी हम जाएंगे और अच्छे तरीके से नीचे गहराई में पहुंचकर आप लोगों के समक्ष पेश करेंगे। नीचे की तरफ से हम लोगों को जो ऊपर का दृश्य दिखाई दे रहा है वो काफ़ी ज़्यादा लुभावना है। यहाँ पर काफ़ी सारे गेट बनाए गए हैं ये, और काउंटिंग में 16 है क्योंकि 16 की तर्ज पर ही पूरे का पूरा ऊपर ये सर्कल बन पाया है। और नीचे का जो मंजर है वो देखो कुछ इस प्रकार की सीढ़ियाँ हैं, ये सारी की सारी जो सीढ़ियाँ हैं ये और नीचे जाने के लिए बनाई गई हैं, नीचे बड़े बड़े पत्थर। और यही वो एरिया है जहाँ पर किसी समय पानी आया करता था, न जाने कितनी ऊंचाई तक पानी भरा रहता था। तो एक बार हम नीचे की तरफ जाएंगे यहाँ पे, और मैं आप लोगों को कहूँगा यदि आप कभी यहाँ पे आते हैं तो प्लीज़ आप नीचे मत जाइएगा क्योंकि काफ़ी रिस्क होता है इस चीज़ के अंदर, थोड़ा सा सावधानी ज़्यादा रखनी पड़ेगी क्योंकि आज इसकी जो हालत है शायद पत्थर भी कोई लूज़ हो सकता है या टूट सकता है ये हमें भी नहीं पता, बट सीढ़ियाँ तो हैं लेकिन जो इनकी हालत है वो आराम से थोड़ा सा संभल के जाता हूँ नीचे की तरफ। तीन सीढ़ियाँ हम नीचे आ गए हैं, काफ़ी 4 सीढ़ियाँ, सीरियसली डेंजरस है, डर भी लग रहा है बट कोई बात नहीं ट्राई करते हैं। ये हम आ गए इसकी 5वीं सीढ़ी में,
और फाइनली हम लोग एक ऐसे स्थान पर आ गए थे जो अभी तक आप लोगों की नजरों से बहुत ज्यादा दूर था। और मैं यकीन और दावे के साथ कह सकता हूं कि आज से पहले आपने ये वाला स्थान कभी भी नहीं देखा होगा अपनी पूरी लाइफ के अंदर। यहाँ से इसका जो मंजर है वो बहुत बहुत ज़्यादा लुभावना है और मैं इस पूरी बावड़ी की गहराई में आकर वो ठंडक महसूस कर पा रहा हूँ जो किसी समय यहाँ पर पानी की वजह से हुई थी। आज बेशक से इसके अंदर पानी नहीं है लेकिन इसकी गहराई में वो ठंडक, वो एक अच्छा जो एटमोसफेयर होता है वो यहाँ पर अभी भी हमें दिखाई दे रहा है। जिस समय ये रानी का कुआं बना था उस समय रानी जब यहाँ पर स्नान करने के लिए आती थी तो स्नान करने के बाद में इसी स्थान पर सीधे का सीधा वो जल चढ़ाती थी। यानी कि आस्था और भगवान के साथ में जो एक कनेक्शन है वो पहले के लोगों का बिल्कुल सीधा था। इसी वजह से वो लोग हमसे ज़्यादा एडवांस थे और हमसे ज़्यादा बुद्धिजीवी माने जाते थे। जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर बात देखने वाली बनती है वो बनती है इन गणेश भगवान जी की। अक्सर आप लोगों ने फोटोज़ में, मूर्तियों में देखा होगा कि उनकी जो सूंड होती है वो उल्टे हाथ की तरफ इस तरीके से होती है, लेकिन यहाँ पर आप लोग जब देखेंगे तो बिल्कुल आपको वो इस तरफ यानी कि राइट वाले पोर्शन में टिल्ट दिखेगी। और ये वाली बात आपने आज से पहले किसी और स्थान पर नहीं देखी होगी। पटगुजर क्षत्रिय जो राजपूत हुए हैं उनका निकास सबका तकरीबन माचड़ी से ही है, मत्स्यपुरी से ही है। और कोलाव तनाव के माड़ी जो गोत्र है उनका भी निकास, चाहे वो संसार में कहीं भी बस रहे हैं, उनका भी निकास माचड़ी से ही बोला जाएगा। तो दोस्तों हर बार की तरह हमारा ये वाला जो व्लॉग था वो बहुत ज्यादा अच्छा रहा क्योंकि हमने यहाँ पर हर उन बारीक चीजों को आपके समक्ष पेश किया जो काफी ज्यादा दूर थे। इसी प्रकार की नई नई और अच्छी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं जिसमें आपको सिर्फ करना क्या है, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना है, बेल आइकन को दबाना है और मेरे साथ पर्सनली इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। साइड में आप लोगों को इंस्टाग्राम की एक स्क्रीनशॉट लगी हुई मिलेगी जहाँ पर आप लोग अपनी सजेशन और अपनी जो बातें होती हैं वो वहाँ पर कर सकते हैं। नई वीडियो, नया स्थान बहुत जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद।